हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कंप्यूटर के पॉपुलर कोर्सेस हैं जैसे CCC, O-Level, A-Level, पॉलिटेक्निक्स, BTECs, उनके सिलेबस को समझाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन को सेलेक्ट करिए, आप बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो विंडोज़ 10 के बारे में। तो देखिए, विंडोज़ 10 जो है ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ 10 को वैसे तो हर लोग जानते हैं ऑपरेट करना, क्योंकि जब आप PC ऑन करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन आपको विंडोज़ 10 की ही मिलती है। पर हमारे विंडोज़ 10 में भी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कमाल की चीज़ें हैं, कुछ हिडन फीचर्स हैं, हो सकता है आप उनसे परिचित ना। तो आज हम लोग इसी ही बात की चर्चा करने वाले हैं कि विंडोज़ 10 में वो कमाल के कौन से हिडन फीचर्स हैं जिन्हें हम जाने और उसे अपने काम में यूज करके देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना क्लास आज का स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, हमारा जो विंडोज़ होता है इसमें बहुत सारे सिस्टम टूल्स होते हैं। सिस्टम टूल्स बोलने का मतलब ये हुआ कि ऐसे डिस्क क्लीनअप चलाना है, कोई फ्रेगमेंटेशन आ गया है तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन चलाना है, कोई सॉफ्टवेयर लोड करना है, लोड कर रखा है तो उसे हटाना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है। और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमें बहुत सारे सिस्टम टूल्स मिलते हैं, वहाँ से हम अपने PC को मेंटेन करने का काम करते हैं। पर एक बहुत ही गजब का शॉर्टकट है जिससे आप क्विक किसी फीचर्स को खोज सकते हैं जो कंप्यूटर मेंटेनेंस रिलेटेड होगा। तो ये जो स्टार्ट का बटन है, इस पे माउस का एरो रखिए और माउस का राइट बटन क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही राइट बटन आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपके सामने वो मेन कमांड की लिस्ट आ जाएगी जिन्हें हम ज़्यादा यूज करते हैं अपने सिस्टम को अपडेट रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें डिवाइस मैनेजर मिल जाएगा, नेटवर्क कनेक्शन मिल जाएगा, डिस्क मैनेजमेंट मिल जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, टास्क मैनेजर मिल जाएगा। तो आपको एक ही जगह पे ही आपको ये सारे यूटिलिटीज दिख जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं इसे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स की। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके PC पे जो जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उनकी लिस्ट आ जाती है। और आप यहाँ से अगर किसी को चाहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपका एक फीचर्स है विंडोज़ 10 में। तो फ्रेंड्स, इसको यूज करके आप देखिएगा। अब मैं अगला जो फीचर्स की बात करने जा रहा हूँ वो हमारा है स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर का मतलब ये होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो हार्ड डिस्क होता है, इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे पार्टीशन बना लेते हैं। पार्टीशन में बहुत सारी फाइलें उपलब्ध होती हैं। अब वो फाइलें वीडियो के फॉर्म में होती हैं, पिक्चर के फॉर्म में होती हैं, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती हैं। तो अगर हमें ये जांच करना हो कि हमारे ड्राइव में किस कैटेगरी के फाइल्स हैं, उनमें से अगर कोई फाइल अननेसेसरी है तो उसे मैं रिमूव कर पाऊँ, तो उसके लिए ड्राइव को खोल के उसके अंदर इन सारी बातों को कैटेगराइज करके देखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पास एक स्टोरेज मैनेजर मिलता है विंडोज़ 10 में। आप स्टार्ट पे क्लिक करिए। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, आप सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। सेटिंग पे क्लिक करने पे आपको ये बहुत सारे आइकन मिलेंगे, इसमें आप सिस्टम में चले जाइए,
और सिस्टम में जाने पे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का। तो जैसे ही आप स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी ड्राइव्स हैं वो सारे ड्राइव्स आपको दिख जाएंगे यहाँ। वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका सी ड्राइव है, इसमें कितने आपने स्पेस यूज कर लिए हैं, कितना इसमें बचा हुआ है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि किस ड्राइव में मैंने किस किस वैरायटी की फाइलें रख रखी हैं तो आप उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ सी के अंदर चला जाऊँ तो सी के अंदर जाने के बाद उस सी वाले ड्राइव का एनालिसिस करेगा। अभी यहाँ बोल रहा है कि आपने 33.5 GB यूज कर रखा है और यूज में किन किन चीज़ों को यूज कर रखा है, तो 19 GB ये ब्लू कलर आ रहा है, इसमें बता रहा है कि ये सिस्टम से रिलेटेड फाइलें आपने रख रखी हैं। 8.05 ग्रीन कलर का बता रहा है, इसमें बता रहा है कि ये ऐप्स हैं, डॉक्यूमेंट की फाइलें हैं। ऐसे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको टेम्पोरली फाइल्स भी दिखेगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 7 GB का हमारा टेम्पोरी फाइल भी है। अब अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको सूचित भी करेगा कि इसमें इतनी जगह की फाइलें जो हैं वो डिलीट आप कर सकते हैं, टेम्पोरी फाइलें हैं, डाउनलोड जो आपने किया है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से जगह को खाली करने के लिए आप इन बटन को यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि किसी स्टोरेज का हम एक कैटेगरी वाइज डेटा देख लेते हैं कि किस वैरायटी का डेटा हमने रखा हुआ है और कितना स्पेस उसने मेमोरी में लिया है, ये हम देख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका एक स्टोरेज मैनेजर। ये मेरा नंबर दूसरा विंडो 10 का फीचर्स है। अब मैं बात करता हूँ एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स हमारे विंडो 10 में है, स्टिकी नोट्स की। स्टिकी नोट्स एक बहुत ही छोटा मगर बहुत ही पावरफुल ऐप है हमारे विंडो 10 में। अक्सर हम लोगों का कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स होता है, कोई अपॉइंटमेंट्स होता है और हम मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, आप कंप्यूटर पे ज़्यादा होते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे एक छोटा सा नोट्स दिखाई पड़े और उस नोट्स में मैं जो बात लिखूं वो मुझे सदैव डेस्कटॉप पे दिखता रहे जब तक मैं उसे वहां से नष्ट ना करूं। तो इससे होगा कि जब भी आप अपने पीसी को ऑन करोगे तो डेस्कटॉप दिखता ही है, तो वो बात आपको एज ए याद रहेगा, रिमेंबर रहेगा। तो इस वास्ते हम लोग स्टिकी नोट का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट पे क्लिक करने पे यहाँ जो सर्च आ रहा है इसके अंदर आप स्टिकी नोट्स को टाइप करिए तो आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ स्टिकी नोट्स का आइकन आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका स्टिकी नोट ऐसे ऑरेंज कलर का आ जाएगा। अब इस ऑरेंज कलर के स्टिकी नोट में आप जो भी बात लिखना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये लिखा कि मुझे 5 जुलाई 2020 को डॉक्टर है कोई, इनसे हमारा अपॉइंटमेंट है 11 AM पे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इससे ये होगा कि एक छोटा सा नोट्स आपको सदैव यहाँ डेस्कटॉप पे दिखता रहेगा, जब भी आप डेस्कटॉप पे आओगे तो ये नज़र आएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमें ऐसा कोई अपॉइंटमेंट ले रखा है मैंने। आप चाहें तो यहाँ प्लस पे क्लिक करें तो आपको एक दूसरा स्टिकी नोट मिलेगा, फिर क्लिक कर दीजिए। ऐसे कई स्टिकी नोट्स यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करके ला सकते हैं और ज़रूरत ना होने पे उन्हें आप क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ से राइट बटन क्लिक करके इनका आप कलर थीम भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। तो ये एक छोटा सा फीचर्स है विंडो 10 में मगर काफ़ी काम की चीज़ है, आप इसे यूज करके देखिएगा। अब मेरा जो अगला विंडो 10 का फीचर्स है वो है स्निपिंग टूल करके। स्निपिंग टूल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में कोई विशेष पिक्चर है, कोई स्क्रीन है, तो हम अगर उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट के लिए हमें अलग से ऐप लोड करना होता है। पर हमारे विंडो 10 में एक ऐसे ही ऐप इनबिल्ड है, उसे अलग से नहीं लोड करना पड़ता है
और उसका नाम होता है स्निपिंग टूल करके। तो आप स्टार्ट पे क्लिक करिए और अपने सर्च वाले बॉक्स में आप टाइप करिए स्निपिंग टूल, तो आप देखेंगे ऐसे आपको एक आइकन मिल जाएगा स्निपिंग टूल का, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। तो जब स्निपिंग टूल ओपन होगा तो इस तरीके से आपको एक छोटा सा इसका स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। अब आप यहाँ न्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन थोड़ा ऐसे डिम हो जाएगा। अब आपको जिस एरिया का लेना है स्नैप, उतने एरिया को आप माउस से ऐसे सेलेक्ट करिए और फिर क्लिक करके आप छोड़ देंगे तो वो पिक्चर एज ए स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएगा और आपको यहाँ सेव का बटन मिलेगा। आप सेव बटन पे क्लिक करके इसे PNG या ऐसे किसी फॉर्मेट पे सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ऐसे न्यू में आपको ऑप्शन भी मिलेगा। ऐसे यहाँ बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगुलर था, अगर मैं फ्री फ्रॉम ले लेता हूँ तो माउस से मैं जितने एरिया को फ्रीली सेलेक्ट करूँगा उतना ही एरिया का हमारा फोटो खींच के आ जाएगा। तो ये एक फीचर्स है विंडो 10 में, आपको अक्सर ज़रूरत पड़ता है तो आप इसका यूज करके देखिएगा। ये आपका हो जाता है स्निपिंग टूल। अब हमारा जो पांचवा फीचर्स आ रहा है वो है रिकॉर्डर करके, स्टेप रिकॉर्डर। स्टेप रिकॉर्डर बहुत ही अहम चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उस ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरा जाए उसके लिए एक गाइडलाइन आपको मिल जाता है PDF फाइल का। तो उस PDF फाइल को आप खोलते हो तो उसमें पूरा एक प्रॉपर स्टेप लिखा होता है कि आपको फॉर्म भरते समय कहाँ पे क्या डिटेल भरना है। तो एक मैनुअल, एक गाइडलाइन मिल जाता है जिसको यूज़र देख के समझ जाता है कि हमें कहाँ पे क्या करना है। या एक दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को आप लोड करते हो तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो आप चाहते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को जो मैं लोड करूं तो स्टेप बाय स्टेप जो मैं प्रोसेस करूं उसका रिकॉर्डिंग होता रहे और उस रिकॉर्डिंग को मैं किसी दूसरे यूज़र को दे सकता हूं अगर उसकी ज़रूरत है जानने की कि वो सॉफ्टवेयर कैसे लोड हुआ। तो ओवरऑल आप अगर ये चाहते हो कि जो भी मैं स्क्रीन पे करूंगा वो स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड हो जाए और उसे हम सुरक्षित रख रहे हैं, अपने यूज में भी ला सकते हैं या किसी दूसरे यूज़र को भी दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको विंडो 10 में ही एक फीचर्स मिलता है जिसे स्टेप रिकॉर्डर करके बोला जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आप स्टार्ट पे आइए, आप सर्च वाले बॉक्स में लिखिए स्टेप रिकॉर्डर, तो ऐसे आपको यहाँ पे स्टेप रिकॉर्डर का एक आइकन दिख जाएगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे वो एक्टिविटी आपका रिकॉर्ड होता हुआ चला जाए। तो जैसे फ्रेंड्स एक होता है ना कि हम लोग फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो जैसे मान लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म हमें भरना है CCC का, तो एक गाइड देना है कि CCC का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं CCC का एक फॉर्म ऑनलाइन भरूँ और जो जो मैं प्रोसेस करूँ वो स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड हो जाए जिससे मैं उसे किसी यूज़र को दे सकूँ अगर कोई CCC का फॉर्म ना भर पा रहा। तो यहां आप स्टार्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए, आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अब आप अपने ब्राउज़र में आ गए, ब्राउज़र में आने के बाद जैसे CCC का फॉर्म जो होता है वो जिस वेबसाइट में भरा आता है उस वेबसाइट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब जो भी वर्क आप कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। आप अप्लाई ऑनलाइन में चले गए, अप्लाई ऑनलाइन में आपने CCC को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ एक डिक्लेरेशन है उसको मैंने चेक करके आई एग्री पे क्लिक कर दिया। अब आपका CCC का ये फॉर्म आ गया, अब इसमें जो जो भी आपको फिलिंग का काम करना है वो सारा आप करेंगे। तो यहाँ तक का जो भी मैंने प्रोसेस किया है वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है। अब मान लेते हैं मैंने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँ, तो यहाँ आप स्टॉप रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही स्टॉप रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे
तो आप देखिएगा कि आपके सामने एक ऐसे फाइल खुल के आ जाएगा और इस फाइल को आप सेव बटन पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। तो आप देखें तो यहाँ पे डेट और टाइम के साथ पूरा स्टेप लिखा हुआ है। ऐसे स्टेप वन में मैं सबसे पहले ब्राउज़र में गया था, ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने स्टूडेंट डॉट नाइलेट एड्रेस बार में लिखा, उसकी स्क्रीन खुल के आई, फिर मैंने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया, ट्रिपल सी पे क्लिक किया, एक्सेप्ट किया, डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस किया। तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस था वो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। अब अगर आप चाहें तो आपको ऊपर यहाँ पे सेव का बटन मिल रहा है, आप सेव बटन पे क्लिक करके इसको सुरक्षित कर सकते हैं और फर्दर आपको भी ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज करिए, या आपने किसी यूज़र को आप दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जिप फाइल में सेव होता है और फिर इसे आप सेव करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ये ज़ोरदार और मज़ेदार टूल है हमारे विंडो 10 का स्टेप रिकॉर्डर। इससे आप किसी भी रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे होंगे वो सारा का सारा एक्टिविटी रिकॉर्ड होता रहता है। तो ये एक स्टेप रिकॉर्डर का ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया। अब हमारे पास एक आता है साउंड रिकॉर्डिंग करके भी आता है। साउंड रिकॉर्डिंग का भी ज़रूरत हमें अक्सर पड़ता है। ऐसे आप प्लान कर रहे हैं कि हम जो लेक्चर दे रहे हैं, जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो एज ए ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए। तो अगर आपको अपने आवाज़ को या जो भी बोल रहा है उसके आवाज़ को रिकॉर्ड करने का काम करना है तो उसके लिए आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने पर आपको सर्च में लिखना है साउंड वॉयस रिकॉर्डर करके लिखना है। तो जैसे ही आप वॉयस रिकॉर्डर लिखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लीजिए तो ओपन करने पे इसकी ये स्क्रीन आएगी। तो चूंकि मैंने एक रिकॉर्डिंग यहाँ पहले से कर रखा था तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आप जब कोई रिकॉर्डिंग नहीं किए हुए होंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब तक ये स्टॉप नहीं होगा तो वो पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करता रहेगा। फिर आप इसे स्टॉप कर दीजिए तो जो भी बातें आपने करी हुई होंगी वो सारे के सारे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा और वो आपको यहाँ दिखाएगा कि कितने ड्यूरेशन का, किस टाइम को, किस डेट को आपने रिकॉर्डिंग किया हुआ था। और यहाँ से आप प्ले करके उसको सुनने का भी काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया कि साउंड रिकॉर्डिंग का काम आप कर सकते हैं। अब मैं आपको जो फीचर्स बताने आ रहा हूँ, हालांकि ये कहना गलत होगा कि ये विंडो 10 का ही फीचर्स है, ये जो फीचर्स है ये पिछले विंडो के जो वर्जन्स हैं उनमें भी यूज आप कर सकते हैं, मगर ये काफ़ी अच्छे हैं, अहम हैं, इसलिए मैं इसे बताना चाहता हूँ क्योंकि आप इसे जाने आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। जैसे अक्सर मान लेते हैं आपने कोई एक फोल्डर बनाया हुआ है और उस फोल्डर के अंदर आपने कोई फाइल रख रखा है और आपको लगता है कि मेरे अनुपस्थिति में कोई भी मेरे इस फोल्डर को कॉपी कर सकता है और कॉपी करने के बाद उसमें जो भी चेंजेस करना चाहेगा वो कर लेगा या हमारे डेटा को वो देख लेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमारा जो ये फोल्डर है ये अगर कोई पेन ड्राइव के जरिए या किसी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में इसको कॉपी करके किसी दूसरे पीसी पे या लैपटॉप पे ले जाए तो वहाँ पर ये ना ओपन हो, ना काम करे। ये फोल्डर जो होगा इसमें उपस्थित फाइलें जो हैं वो केवल आपके ही पीसी और लैपटॉप पे काम करें। अगर इसे पेन ड्राइव या किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कोई कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर पे ले आता है, कंप्यूटर का मतलब डेस्कटॉप लैपटॉप, तो वहाँ पर ये काम ना करें। तो फ्रेंड्स इसके लिए जिस फोल्डर को आपको लॉक करना है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्ट फोल्डर बोलते हैं। आप उस फोल्डर के ऊपर माउस का एरो रख के राइट बटन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन मिलेगा। प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा और एडवांस में आपको यहाँ नीचे एक चेकबॉक्स मिलेगा जिसे आपको ऑन कर देना है, चेक कर देना है इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा, और उसके बाद आप इसके यहाँ से ओके कर दीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए
और अप्लाई करने पे दो विकल्प आएगा कि केवल इस फोल्डर पे ही करें या उसमें भी बहुत सारे फोल्डर हो सकते हैं जिन्हें हम लोग सब फोल्डर बोलते हैं और उनमें भी फाइल्स हो सकती है, सब पे करें। तो चलिए सब फोल्डर एंड फाइल्स को मैं ले लेता हूँ और यहाँ मैं ओके करके फिर अगेन यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो इससे अब क्या हो गया कि ये फोल्डर जो है इसके जो डेटा है वो सारे इनक्रप्ट हो गए। और इसका पहचान का तरीका ये है कि अगर आप देखोगे तो ये जो फाइल का नाम है ये थोड़ा ग्रीन कलर में दिखने लगा, वैसे बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में दिखता है। तो अगर इस फोल्डर को कोई कॉपी करके किसी दूसरे पीसी पर लेके जाएगा तो वहाँ पर ये फोल्डर के अंदर उपस्थित फाइलों को एक्सेस नहीं कर पाएगा, केवल वो इसी ही पीसी पे यूज होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जो हमें करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसकी जानकारी दी। अब मैं एक और भी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा आठवां और लास्ट टिप्स होगा, ये पीछे वाले विंडो के वर्जन में भी मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उस पर कई यूज़र्स बने हुए हैं, विंडोज़ में कई यूज़र्स बने हुए हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक यूज़र है, उसका पासवर्ड आपको चेंज करना है। तो विंडोज़ के किसी भी यूज़र के पासवर्ड को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी होगा कि आप उसका पुराना वाला पासवर्ड डाल जानिए, क्योंकि जब पासवर्ड किसी का आप बदलते हैं तो पुराना वाला पासवर्ड पूछता है, फिर उसके बाद नया वाला पासवर्ड पूछेगा, तो हमें पुराना वाला पता ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे हमें बहुत समस्या होती है, मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ कंप्यूटर, तो हमारे यहाँ हम लोगों ने बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए एक कॉमन यूज़र बना रखा है विंडोज़ में। तो अक्सर प्रैक्टिकल के दौरान कोई बच्चा जो होता है उसका यूज़र का पासवर्ड चेंज कर देता है। अब हम जान नहीं पाते हैं कि पासवर्ड क्या चेंज हुआ है, तो मैं बिना जाने पासवर्ड चेंज करके एक नया पासवर्ड लगाना चाहता हूँ और वो भी कंट्रोल पैनल में मुझे नहीं जाना है, तो वो कैसे किया जाएगा इस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट यानी डॉस पे आना पड़ेगा, स्टार्ट पे क्लिक करिए, सर्च वाले में आपको लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट, ये आ गया, इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके रन एज एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर आप जाएंगे तभी ये जॉब कर पाएंगे जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसको जैसे ही आप करोगे तो आपको डॉस का स्क्रीन मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस लैपटॉप पे कौन कौन से यूज़र हैं। तो यूज़र की लिस्ट देखने के लिए आपको नेट और लिखना होगा यूज़र। तो जैसे ही ये लिख के आप इंटर करेंगे तो यहाँ लिख के आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट है और ये एडमिन है, एक इस नाम से अकाउंट है, एज ए गेस्ट है। तो अब आप यहाँ पर किसी भी यूज़र का पासवर्ड बदल सकते हो। कैसे बदलोगे, जैसे बदलने के लिए लिखना है नेट, फिर आपको लिखना है यूज़र, और यूज़र के बाद जिस यूज़र का पासवर्ड आपको चेंज करना है उसका आप नाम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे साइंस नाम का यूज़र है, मुझे इसका पासवर्ड बदलना है, और फिर स्पेस करके आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पे दे देना होगा। ऐसे मान लो मैंने 4x1 दे दिया या 6x दे दिया 1, और फिर आप इंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो लिख के आ जाएगा कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी अभी अप्लाई हो चुका है। तो अगर आप देखो तो साइंस यूज़र का हमें पासवर्ड पता भी नहीं था, हम कंट्रोल पैनल में भी नहीं गए और हम अपने ही अकाउंट में रह के डॉस प्रॉम्प्ट से हमने उसका यूज़र का पासवर्ड चेंज कर दिया। तो ये सब ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको स्मार्ट बनाते हैं। वैसे कंप्यूटर तो बहुत लोग जानते हैं, पर अगर आप कुछ अलग हट के जानेंगे तो आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे होंगे वहाँ आपका अच्छा रुतबा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पर ये 8 टिप्स बताए हैं, इन 8 टिप्स को आप यूज करिएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए करें। तो फ्रेंड्स, मैं अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।